क्लियर एंड ब्रॉड बेस्ड रूल्स, स्कूल डिसिप्लिन और रूल्स जो हैं इनका आपस में एक अहम रिश्ता है। जब हम स्कूल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, और वहाँ पर हम कमिटमेंट एंड एडहेरेंस टू दीज रूल्स की बात करते हैं। जब हम ब्रॉड बेस्ड रूल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो प्रोसीजर्स जो हैं जब डिवेलप किए जाएँ तो तमाम लोगों की इनपुट ली जाए। इनपुट लेना जो है बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स में आमतौर पर यह देखा गया है कि स्कूल हेड जो है या चंद स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो बैठकर रूल्स को फ्रेम कर लेते हैं और फिर रूल्स को कोई किताबी शक्ल दे देते हैं या न्यूज़लेटर या किसी लीफलेट की शक्ल में जो है उनको बता दिया जाता है। ये करना गलत है। जब आप रूल्स फ्रेम करते हैं प्लीज़ सी टू इट दैट ऑल स्टेक होल्डर्स दे गेट टुगेदर एंड दे फ्रेम रूल्स। ये बहुत ज़रूरी है। इनपुट लेना हर एक से बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से इनपुट लें, स्टूडेंट से इनपुट लें, कम्युनिटी से इनपुट लें, क्योंकि आम तौर पर हमारे स्कूल्स जो हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज के इर्द गिर्द होते हैं और कम्युनिटी जो है बाज़ोकात अफेक्ट होती है। जो भी स्कूल जो है उसमें जिस भी किस्म की एक्टिविटी हो रही होती है तो बाज़ोकात कम्युनिटी अफेक्ट होती है, तो कम्युनिटी से भी इनपुट लेना ज़रूरी है। स्कूल हेड जो है वो भी इनपुट दें, जो दीगर स्टाफ मेंबरान हैं वो भी इनपुट दें, और इन तमाम लोगों की इनपुट से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। ये अमल दोहराने का एक अहम जो है उसकी वजह ये है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो आ जाती है, ख़ास तौर पर जब स्टूडेंट्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में मदद देते हैं तो उनको ये मालूम होता है कि हमसे पूछा गया है। एक तो वो अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि किसी भी स्कूल में जो शागिर्द है उसकी क्या अहमियत है। तो जब आप एक तालिबे इल्म को इतनी अहमियत देते हैं कि वो बताए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या होने चाहिए, तो देन देयर डेवलप्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग स्टूडेंट्स। तो जब ओनरशिप होगी तो वहाँ पर रूल्स जो हैं उतने ज़्यादा जो हैं फॉलो किए जाएंगे और उनको तोड़ने से पता ये चलेगा कि ये हमारे रूल्स हैं और हम इनको अगर तोड़ेंगे तो फिर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं आप उनको एक अहम रोल जो है वो दें जब हम डेवलपमेंट ऑफ रूल्स की बात करते हैं। रूल्स जो हैं वो ब्रॉड बेस्ड होने चाहिए, उनको सिर्फ क्लासरूम की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सारा वक्त क्लासरूम के अंदर नहीं गुजारते, वो क्लासरूम से बाहर भी निकलते हैं, वो इसके अलावा दीगर कमरों में जाते हैं जिसमें लेबॉरेटरीज हैं, कंप्यूटर रूम्स हैं, आर्ट रूम्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं और कॉरिडोर्स हैं, हॉलवेज हैं। ये तमाम जो हैं इलाके जो हैं ये रूल गवर्न्ड होने चाहिए। स्टूडेंट्स को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब वो किसी हॉलवे में से गुजर रहे हैं तो उन्हें कैसा बिहेव करना है, और वो खुद जो है रूल बनाए ताकि उन्हें पता चले कि अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ना जो है वो किस कदर उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या वो कितनी बुरी बात है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि डेवलपमेंट ऑफ ओनरशिप इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज ओनली पॉसिबल वंस ऑल स्टेक होल्डर्स विद स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर दे ऑल्सो मेक रूल्स टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द स्टाफ। इसके अलावा रूल्स को डिसेमिनेट करना क्लियरली, सही तरीके के साथ रूल्स को तमाम लोगों तक पहुँचाना जो है ये बेहद ज़रूरी है। रूल्स जितने क्लियर होंगे, जितने प्रिसाइस होंगे और जितनी जल्दी आप तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाएंगे उतनी ही जल्दी जो है उसका इदराक भी शुरू हो जाएगा। सो रूल्स दे नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड ऑल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वॉट इज इट दैट स्टूडेंट्स कैन डू एंड वॉट इज इट दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट डू। सिमिलरली वॉट इज इट दैट टीचर्स कैन डू एंड वॉट इज इट दैट टीचर्स कैन नॉट डू। रूल्स की जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किए गए रूल्स की बात नहीं कर रहे, हम स्कूल के अंदर तमाम लोग जो मुख्तलिफ हैसियत के साथ काम कर रहे हैं वो तमाम लोग जो हैं वो एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत काम कर रहे हैं। जो रूल्स जो हैं दे आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल द पीपल। स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, टीचर्स के ऊपर एक सेट ऑफ रूल्स हैं, बाकी स्टाफ मेंबर्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ऊपर अगेन देर आर सेट ऑफ रूल्स। सो द रूल्स दे आर अक्रॉस द बोर्ड,
they apply on all stakeholders, and then they have to be very clear and precise so that they are adhered to strictly by all the stakeholders.